एस्कॉर्ट ग्रुप इस कंपनी के ट्रैक्टर्स इंडिया में काफी पॉपुलर है, लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे राजदूत बाइक के इस वीडियो में ट्रैक्टर कहां से आ गया, क्या मैं कोई गलत वीडियो देख रहा हूँ? सो गाइज, ये कोई गलत वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आप राजदूत बाइक के बारे में ही जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, राजदूत बाइक को प्रोड्यूस करने वाला कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट ग्रुप और इसी कंपनी का प्रोडक्ट है ट्रैक्टर्स भी। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ट्रैक्टर्स के बारे में बताया। तो एस्कॉर्ट ग्रुप का ही प्रोडक्ट था राजदूत एक्सेल टी बाइक और आज के इस वीडियो में इसी पॉपुलर बाइक के शुरुआत से लेकर अंत तक के कहानी के बारे में मैं और आप जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। सो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से, क्योंकि इसी साल एस्कॉर्ट ग्रुप ने पॉलिस एसएचएल M11 बाइक को इंडिया में राजदूत ब्रांड नाम से बेचना शुरू किया। इस बाइक को लॉन्च करने के बाद इंडिया में इसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ता ही गया। रोड की बात करें तो उस वक्त इंडिया में बहुत कम अच्छी सड़क थी, ज्यादातर कच्ची सड़क ही था और राजदूत के पॉपुलर होने का ये एक कारण था, क्योंकि राजदूत चलाने में काफी सिंपल था, सड़क पक्की हो या फिर कच्ची, राजदूत बहुत ही अच्छी राइड देता था और इस बाइक का जो रफ एंड टफ लुक था वो भी काफी शानदार था। वैसे इस बाइक को डिसकंटिन्यू हुए बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन राजदूत के चाहने वालों के दिलों में आज भी पहले की तरह राजदूत जिंदा है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो राजदूत एक्सेल टी बाइक में 175 सीसी का पेट्रोल इंजन आता था। इस बाइक का इंजन एक 2-स्ट्रोक इंजन था और इस बाइक में उस समय के हिसाब से काफी अच्छी माइलेज भी क्लेम किया जाता था। राजदूत एक ऐसा पॉपुलर बाइक था जिसका प्रोडक्शन पूरे 4 डेकेड्स तक चला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बाइक के लिए लोग कितना क्रेजी थे। एस्कॉर्ट ग्रुप राजदूत के 2 मॉडल्स बेचा करती थी इंडियन मार्केट में, जिसमें से पहला था राजदूत एक्सेल टी और दूसरा था राजदूत 350 या फिर आरडी 350। राजदूत 350 को एस्कॉर्ट ने यामा के साथ मिलकर साल 1983 से लेकर साल 1989 तक प्रोड्यूस किया इंडिया में। इस मॉडल में भी 2-स्ट्रोक इंजन आता था, इसमें पिकअप भी बड़ी शानदार थी। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक छोटी सी हिस्ट्री द लेजेंड राजदूत एक्सेल टी के बारे में। आप जानते हैं इस पॉपुलर बाइक के प्रोडक्शन को बंद क्यों करना पड़ा? तो इस बाइक के प्रोडक्शन को बंद करने का सिर्फ 2 मेन रीजंस थे। इसमें से पहला था कंपटीशन। 1990 के दशक आते आते इंडिया में बहुत सारी 2-स्ट्रोक जापानीज परफॉर्मेंस बाइक आ जाने से इंडियन सड़कों में राज करने वाला राजदूत के लिए कंपटीशन काफी बढ़ चुका था। जापानीज परफॉर्मेंस बाइक परफॉर्मेंस में काफी शानदार था, लेकिन राजदूत का स्पेसिफिकेशन पुराने जमाने का था। लेकिन फिर भी कंपटीशन के जमाने में राजदूत जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था। लेकिन जो दूसरा रीजन था उसके वजह से राजदूत को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और वो है यूरो 2 एमिशन नॉर्म्स, क्योंकि राजदूत एक 2-स्ट्रोक बाइक था और 2-स्ट्रोक बाइक से वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता था। इसी वजह से भारत सरकार ने 2-स्ट्रोक इंजन के बजाय कम प्रदूषण करने वाली 4-स्ट्रोक इंजन को कंपलसरी कर दिया इंडियन मार्केट में। और राजदूत 2-स्ट्रोक बाइक होने के कारण एस्कॉर्ट ग्रुप ने साल 2005 में राजदूत के प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया और जो 4 डेकेड्स तक राज करने वाला जो राजदूत एक्सेल टी बाइक था उसकी कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के घंटे के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।